हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आयत इनायत इंटरप्राइजेस में। मेरा नाम है फ़हीम अंसारी, मैं आया हूँ केडी फार्म के इधर, और मैं यहाँ पे हनीफ खोज जो कि सऊदी से आए हुए हैं, और इन्होंने अच्छी से दावत भी रखी थी, सब लोगों को खाना भी खिलाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम भी रहा। बहुत फैमिली आके गई लेकिन मेरे को आने में लेट हो गया। मैं यहाँ पर इनका रूम दिखाता हूँ, इसके पहले जो है शॉर्ट वीडियो भी डाल चुका है, लेकिन यहाँ पे इस वक्त हमारे हनीफ भाई आए हैं तो हनीफ भाई के साथ फुल वीडियो बनाएंगे, और किस तरीके से इन्होंने हमारे से रूम लिया वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है आप मेरे पीछे चॉल देख रहे हैं, जिस तरीके से हमने काम करके दिया है, आपको काम कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। ये आपके सामने देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए अभी हम लोग चलते हैं रूम के अंदर। ये रूम जो है अभी हमारा ये है, टोटल 300 स्क्वायर फीट का रूम है। ये पूरी फैमिली जो है यहाँ पर, इन्होंने पूरा ये सेटअप रखा था, बहुत सारे लोग आए थे मेहमान, और यहाँ पे जो है खाना वगैरह खिलाया, तो अच्छे से प्रोग्राम हो चुका है इनका। तो ये ऊपर देख रहे हैं, ये पीवीसी सीट और लाइट वगैरह सब लगी हुई है, तो आपको ये देखिए ऊपर का फ़ैन बंद है खाली, ये लाइट भी चालू है, आपके सामने नज़र आ रही है। ये कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। ये घर वगैरह कलर वगैरह सब कुछ जो है, ये हमारे हनीफ भाई सामने खड़े हैं। फ़ैन जो है ऊपर का नहीं लगाया क्योंकि ये रूम रेंट पे देने वाले हैं, ये रूम रेंट पे जाएगा, तो उनका एक बेडरूम उधर है, और ये देखिए डोर पे लिख के लगा है माशाल्लाह। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं पहले बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम जैसे आप देखते हैं, आइए आइए, तो ये बेडरूम जैसे देख रहे हैं, ये बेडरूम है, और हनीफ भाई की मम्मी है ये। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वाह माशाल्लाह। तो जैसे आप देख रहे हैं ये घर, ये पूरा का पूरा हनीफ भाई ने जिस तरीके से बोला उस तरीके से इनको बना के दिया है, और कितना अच्छा सेटअप लगाया है नीचे रख के। कैसा लगा आंटी आपको बैठने में, कंफर्टेबल लगा होगा? हमारे आंटी भी बैठे हैं यहाँ पे, आप जैसे देख रहे हैं ऊपर, आप देख रहे हैं पानी की टाकी लगी हुई है और ऊपर पीओपी है, और यहाँ से हम लोग जो है आपको दिखा रही है किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर फुल टाइल्स। यहाँ पर जो है सब कुछ प्रोग्राम खाने का हो चुका है, काफ़ी लोग आके गए, लास्ट हमारा ही नंबर था। तो अब यहाँ से हम लोग जो है टॉयलेट बाथरूम दिखाते हैं इनको। ये जो है टॉयलेट बाथरूम के अंदर जो है इनकी फुल टाइल्स, और इन्होंने इंग्लिश टॉयलेट किया हुआ है। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिला है, और उनकी फैमिली सामने ही है, तो हम लोग इनकी फैमिली से बात करें कि इन्होंने किस तरीके से हमारे से रूम लिया है, किस तरीके से परचेस किया, तो देखते हैं बात करके हनीफ भाई से। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये रूम दिखाया, ये 300 स्क्वायर फीट का है, तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हनीफ भाई। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, और कैसे हो हनीफ भाई? बस ठीक। हनीफ भाई हमारे जो है, सबसे पहले मैं इनसे थोड़ी सी जानकारी भी लेता हूँ। हनीफ भाई कहाँ रहते हैं आप? मुमरा में रहते हैं। मेरे को बताइए आपने हमारा ये कहाँ देखा और बुकिंग करा है? सऊदी अरब में देखा। रियाद से? तो कब से हमारे को देख रहे हो रियाद से? 2014-15 से आप हमारे को कंटिन्यू देख रहे हैं। तो उसके बाद आपने किस तरीके से हमारे से स्टार्ट किया, मतलब बुकिंग किया आपने? 50,000 दे के बुकिंग किए। फिर उसके बाद में महीना स्टार्ट किए, फिर कोई आके हमारे ऑफिस में विजिट किया था, या फिर डायरेक्ट वहीं से चल रहा था सब कुछ? नहीं, विजिट कर रहे थे। कौन आया था विजिट करने? बीवी आके पैसा दे, वाइफ आके विजिट करके पैसा दे करके गए, पैसा दे रहे थे। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे हमारे हनीफ भाई ने वहाँ से बुकिंग कराया, और फिर उसके बाद में 14-15 से बुकिंग कब कराए? 2022 में बुकिंग करा, मतलब कितने साल के? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतने टाइम के बाद? हाँ, मतलब काफी टाइम पर थे ना, तो वहाँ से आने के बाद मतलब वीडियो खाली देखते रहते थे कंटिन्यू। आज भी वीडियो देखते हैं? हाँ अभी देखते हैं, आज भी देखते हैं वीडियो। माशाल्लाह हमारे हनीफ भाई जो है कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते हैं, और बड़ी मोहब्बत से हमारे को कॉल भी करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और इनको जगह वगैरह दिखाने के बाद इनकी अनुसार जैसा इन्होंने बोला उस तरीके से रूम वगैरह बना के हमने कंप्लीट भी किया। इन्होंने आज पूरे मेहमान को बुलाए थे, मेहमान लोग ने क्या बोला आपको? देखिए अच्छा है, बोले सब जगह अच्छा है, अच्छा लगा उनको, पूरा माहौल भी अच्छा लगा, ये सब सब चाली अच्छी। आपका घर रेंट पे है या खुद का घर है वो मुमरा का? हमारा खुद का है। खुद का, ये आपने किस कैसे ले लिया, मतलब आपको जरूरत क्या थी? ऐसा ऐसे ही ले लिया, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया आपने। तो जैसे देखा हमारे हनीफ भाई के पास ऑलरेडी घर है, फिर भी इन्होंने लिया है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ये घर लिया है। अब ये जो है घर रेंट पे देंगे? हाँ अभी रेंट पे देंगे, रेंट पे देंगे। तो ये घर जो है रेंट देंगे, 2,500 रुपये रेंट इनका आएगा, और 5,000 रुपये डिपॉजिट इनको मिलेगा। जी जी, तो ये आपको लोकेशन जो है आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, अगर आप किसी को विजिट करके कोई देखना चाहता है रेंट के लिए, तो नया रूम है एकदम। हमारे हनीफ भाई जो है अभी यहाँ से चले जाएंगे वापस सऊदी, मेरे ख्याल से खाली इनकी वाइफ कभी आते जाते रहेंगे और विजिट करते रहेंगे, राइट जी।
तो ये सारी चीज़ें इन्होंने परचेस करके रखा है। तो अनिप भाई, ये पहला ही घर आपने हमारे से परचेस किया है या इसके पहले कुछ और भी? हमने ये पहला घर लिया है, इसके बाद दो तीन और लेने का चांस इरादा चल रहा है आपका? और क्या लेने का इरादा चल रहा है? क्या दुकान लेने का इरादा चल रहा है? ये करेंगे, रूम तो हो गया अभी आपका, दुकान प्लस मकान लेंगे? नहीं, खाली दुकान लेना है। खाली दुकान लेना है? तो खाली दुकान मतलब कितनी दुकान लेना है? चार पांच दुकान। दुकान मतलब चार पांच दुकान लेना है इनको? तो चार पांच दुकान जो है वो भी रेंट पे रखेंगे? क्या आपका इरादा सऊदी छोड़ने का है? नहीं नहीं, रहने का इधर उधर है, मगर लेके रखेंगे। लेके रखने से इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों का फंसने के बाद जो है आपका अच्छा खासा पेमेंट आ जाता है, मतलब ये समझ लीजिए कि रिटर्न अच्छा आना चालू होता है। अभी इसका ईएमआई कितना होगा? ईएमआई 8000। 8000 रुपये। अब इसका 2500 रेंट आएगा तो कितना आपको देना पड़ेगा ऊपर? 6000 रुपये और देना पड़ेगा। 6500 जो भी है, 6500 रुपये इनको देना पड़ेगा, 5500। तो जो है हमारा इस तरीके से ये रूम का हम लोग ने इस कंटिन्यू रखा और हर कस्टमर को हमने जोड़ा ही रखा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे हनीफ भाई, इनके जब वहाँ से बुकिंग कराए तो आपको किसी ने ऐसा नहीं बोला, अरे तू यूट्यूब पे देख के बुकिंग करा? मैं देखता तो लोग बोलते थे कि ले ले करके। अच्छा, तो इतना देखता है तो ले ले, नहीं तो देखता क्यों है? देख मत, नहीं तो ले ले। मतलब यार चलो हिम्मत करके दे दिया 50000। मतलब उकसाते भी होते हैं, अरे देख रहा है तो ले ले। नहीं, जो लोग साथ में खाना खाते थे वो लोग बोलते चलो यार, फैमिली भी साथ में थी ना, तो बोले रोज रोज खाते टाइम देखते रहते हैं फहीम भाई को, तो एक बार ले ले। ले ले, हाँ। ले ले तो बोला चलो। एक प्रॉपर्टी हो गई। आज इस रूम की कीमत कितनी हो गई आपको मालूम है? 9 लाख रुपया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, इन्होंने हमारे से 2022 में 8 लाख रुपए का लिया है और आज इस रूम की कीमत 9 लाख हो चुकी है। जब तक के ईएमआई पैड करेंगे, कितने साल का टाइम है ईएमआई? अभी और 4 साल। 4 साल में इस रूम की कीमत कितनी होने के अंदाज़ा आप मुझे बता सकते हैं? 10 लाख। मेरे हिसाब से 11-11.5 लाख रुपये चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 साल के बाद, 4-5 साल के बाद में यहाँ पे और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारा एरिया तो बिक चुका है। बिक गया। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब इतने फास्ट बिक सकता है, तो जब यहाँ पे लोग रहने आएंगे, डिमांड बढ़ेगा, तो एक्टिविटी बढ़ने से और भी रेट बढ़ता है। इसलिए हम लोग घूम रहे ना चारों तरफ, देख रहे घूम के क्या कहाँ ले सकते हैं और कहाँ ले सकते हैं, बरोबर कौन से रास्ते से ले सकते हैं, वहाँ से रास्ता जाएगा। अभी मेरे पास अभी फ्लैट का भी काम चालू है, जो कि महीने की 10 साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं हम आपको, और महीने का जो ईएमआई है उसके लिए 11000 रुपये ले रहे, फ्लैट भी दे रहे। तो फ्लैट भी है आप हमारे पास में इंटरेस्ट फ्री, चौल में भी है, और आपको बंगलो भी स्टार्ट करने वाले हैं, बंगलो भी बना करके देने वाले हैं, वो भी विदाउट इंटरेस्ट पे। आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमारे पास, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। दूसरी बात ये, हमारे ताला चाबी हम लोग जो है हमारे हनीफ भाई को देंगे, जो हमारे हनीफ भाई इस वक्त हर कस्टमर को हम लोग देते हैं ताला चाबी, तो इनको भी ताला चाबी देंगे। तो जैसे हमारे हनीफ भाई को जो है हम लोग ताला चाबी देंगे, इनकी पूरी फैमिली जो है आई हुई है, जैसा आपने देखा तो इनकी फैमिली को जैसे हम लोग ताला चाबी देते हैं हर कस्टमर को, वैसे हमारे फैमिली जो है ताला चाबी देना तो बनता है। तो हमारे हनीफ भाई के लिए ये इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी ख्वाहिश थी हनीफ भाई के साथ वीडियो बनाने की, और हनीफ भाई की भी ख्वाहिश थी हमारे साथ वीडियो बनाने की। बहुत अच्छा लगा हमारे साथ हनीफ भाई जुड़े रहे, और आप भी ऐसे देखें हमारे अल अजवा मुमरा की मेन स्पेशल स्वीट्स, यानी स्वीट का जो है भंडार, अल अजवा की तरफ से इन्होंने मिठाई लाया है। तो सबसे पहला हमारे अधिकार हमारे हनीफ भाई का बहुत बहुत मुबारक हो। हनीफ भाई आपको इतना बड़ा छोटा करो ना, अरे अरे बहुत बड़ा है, पूरा दूध है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे हनीफ भाई ने, ये हमारे हनीफ भाई ने मिठाई भी हमको खिलाया। हम ज़्यादा मिठाई नहीं, थोड़ा सा मिठाई खाते हैं और खाओ खाओ हनीफ भाई खाओ। हाँ, भाभी देख रहे पीछे से, बहुत मिठाई खा रहे भाभी देख रहे बोले वीडियो में मिठाई खा रहे, खा लो बाद में बोलते हैं कोई बात नहीं। तो जैसा आपने देखा ये हनीफ भाई का घर और हनीफ भाई का वीडियो, ये घर आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। हनीफ भाई आपको कैसा लगा? अच्छा, हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए या खाली बस यहीं पर लेके ख़त्म करना चाहिए? लेना भी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट करने से बहुत सारा बेनिफिट होता है आने वाले टाइम में, है ना। तो दोस्तों जैसे देखा है थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, अभी 1 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है, तो 4 साल में अंदाजा लगाइए 2 लाख रुपए का तो बेनिफिट होना ही चाहिए, 2-3 लाख का बेनिफिट होना ही चाहिए। तो ये बेनिफिट है, ये घर को उस टाइम में रखना है बेचना है ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिस मत करें, वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए हमारे हनीफ भाई का घर कैसा लगा। हनीफ भाई कहाँ रहते हैं? सऊदी अरब रियाद में रहते हैं। तो वहाँ कोई रहता है जो हनीफ भाई से मिल सकता है तो मुलाकात कर सकते हैं, और मुमरा में भी इनका घर है, तो मुमरा में कौन कौन रहता है कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुमरा वाले यहाँ पे कितने देर में आएंगे ये भी पता चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।
शुक्रिया।